नमस्कार मित्रों, आज वर्ल्ड पेरेंट्स डे है, यानी कि 1 जून वर्ल्ड पेरेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। और अब जानते हैं कि वर्ल्ड पेरेंट्स डे में रिश्तों में दीवार कौन बन रहा है। प्रत्येक वर्ष आज 1 जून को वर्ल्ड पेरेंट्स डे मनाई जाती है। इसका उद्देश्य होता है कि हम अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, यानी जो भी पेरेंट्स हैं, खासकर अपने माँ बाप की इज्जत करें, कद्र करें, रिस्पेक्ट करें, उनका आदर करें, उनकी अहमियत को समझें। किंतु रिश्तों में दीवार बन रहा एक ऐसा चीज जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ, रिश्तों में दीवार बन रहा है स्मार्टफोन। जी हाँ, आज के दौर में स्मार्टफोन जो है वह रिश्तों में दीवार बनने का कार्य कर रहा है। घर में स्क्रीन टाइम लिमिटेड नहीं होने की वजह से रिलेशनशिप बेहतर नहीं हो पा रहा। बच्चों के साथ साथ अब बड़े भी मोबाइल को हाथ में लेकर ज़्यादातर समय जो है वह अपने मोबाइल फोन में देना पसंद कर रहे हैं, जिससे वे घर परिवार में अपने आप को दूरी में ढकेल लेते हैं, अनायास ही वे दूर हो जाते हैं। आइए इस विषय को लेकर कुछ रोचक तथ्यों को आपके सामने रखते हैं। भारत के राज्य छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में 3 दिवस पहले मोबाइल चलाने को लेकर जहां पर घर वालों से हुए विवाद के पश्चात 12 वर्ष के बच्चे ने जहां पर खुदकुशी कर ली और उसने मां की साड़ी से फांसी का फंदा बनाकर यह अपनी यह लीला समाप्त कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ चलते हैं तो इसी तरह 12 मई को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में मोबाइल गेमिंग की लत की वजह से 14 वर्ष के एक बच्चे ने नाराज होकर नदी में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जहां पर सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ और सुसाइड नोट में उसने लिखा था कि मेरी मां ने मुझे मोबाइल में पबजी गेम खेलने से रोक दिया था, इस वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। मित्रों, ये वाक्य बताने का हमारा उद्देश्य यह है कि आज 1 जून वर्ल्ड पेरेंट्स डे है, किंतु मोबाइल की लत बच्चों और पेरेंट्स के रिश्ते में इस कदर हावी हो चुकी है कि अब नौबत सुसाइड यानी आत्महत्या तक की आन पहुंची है। माँ की लोरी से लेकर पिता की सीख और खेल के मैदान तक की जगह मोबाइल ने ले ली है। स्मार्टफोन और तकनीक के इस समय में पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप का अति संवेदनशील दौर चल रहा है। इसलिए जहां पर हम उन तमाम बच्चों से आग्रह करेंगे कि वे इस तरह के गेमिंग मोबाइलों से थोड़ी अपनी दूरी बनाएं, तो वहीं हम उन पेरेंट्स से भी निवेदन करना चाहेंगे कि वे रिश्तों में गहराई लाएं तथा मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाएं और ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने घर के सदस्यों में दें। इससे हमारा रिश्ता तो प्रबल होगा ही, साथ ही हम स्वस्थ भी रहेंगे। जी हाँ, जो मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से हमें अनेकों प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, हम अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, उससे निजात भी हम पा सकते हैं। इसलिए हमें मोबाइल को थोड़ी दूर रखकर, यानी एंड्रॉयड मोबाइलों से थोड़ी दूरी बनाते हुए अपने रिश्तों में कसावट लाएं तथा मोबाइल को थोड़ी देर के लिए करें टाटा बाय बाय। हम भी करते हैं आपसे टाटा बाय बाय। कृपया रिश्तों में लाएं कसावट, मोबाइल को करें थोड़ी सी, मोबाइल से बनाएं थोड़ी सी दूरी। जय हिंद।